धमतरी जिले में इन दिनों अवैध रेत का उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। लगातार मशीनों के माध्यम से महानदी से रेत निकाला जा रहा है। अधिकारी नेता भी इस मामले में कार्यवाही करने पर मौन है, पर नहीं है तो तहसीलदार और जनप्रतिनिधि के ऑडियो रिकॉर्डिंग तेजी से वायरल होना। दरअसल देखा जाता है समय समय पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि का फोन पर चले बहेशबाजी का ऑडियो रिकॉर्डिंग अक्सर सामने आते रहते हैं। इस बीच धमतरी में नायब तहसीलदार ज्योति सिंह और जिला पंचायत सदस्य खूबलाल के बीच तूतू मय का ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है। लगातार फोन पर चली बहेश के ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है खूबलाल ने खदान पहुंचकर अवैध चल रहे रेत खदानों पर मशीनों को रुकवाकर कार्यवाही के लिए तहसीलदार को फोन किया। वही तहसीलदार ने कॉल रिसीव करते हुए माइनिंग से बात कर कार्यवाही करने की बात कही। तभी खूबलाल ने तहसीलदार से कहा कि आप कार्यवाही करने आ सकती हो, क्यों नहीं आ रहे हो। जिस पर नायब तहसीलदार ने खूबलाल को कहा कि फालतू के बात मत करो, अगर मैं कार्यवाही किया तो आप लोगों का हालत खराब हो जाएगा। वही जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ने तहसीलदार को कहा कि आपकी मेकअप कहाँ से आता है वो मुझे पता है, फिर क्या फोन पर चला यह विवाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य ने अपने राय रखते हुए कहा कि खदान में स्पॉट पर ही फोन कॉल कर तहसीलदार को कार्यवाही करने कहा, लेकिन तहसीलदार ने अमर्यादित रूप से बात कही। इसके अलावा खूबलाल ने नायब तहसीलदार को खरे खरे सुनाते हुए कहा कि भारत में नारियों के सम्मान होते हैं, लेकिन ये नारी सम्मान के योग्य नहीं है जिन्होंने स्पॉट पर कार्यवाही करने के जगह माइनिंग से बात करने की बात कहते हुए अमर्यादित तौर से वार्तालाप किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। वही इस पूरे मामले को लेकर नायब तहसीलदार ज्योति सिंह ने कलेक्टर से शिकायत किया है। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करने की बात कही है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने अवैध रेत खदान पर लगातार कार्यवाही होने की बात कहते हुए कहा पिछले 3 माह के एवज में अभी ज्यादा कार्यवाही हो रहे हैं। बहरहाल नायब तहसीलदार और जनप्रतिनिधि के फोन पर हुए वर्चस्य तेजी से वायरल होने लग गया है। लोग इस पूरे बहस पर तरह तरह के बातें कर रहे हैं। देखना होगा कि यह विवाद आखिर कहां तक जाकर शांत होता है। मैडम नमस्कार जी। मैडम ये वो थोड़ा शिकायत के लिए फोन लगाया हूँ, कब तक पहुंचेंगे? मैं गाड़ियां रुकवा दिया हूँ, तो ये थोड़ा सा कार्रवाई आप करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, तो मैं कब तक वेट करूँ आप? हाँ जी मैम, माइनिंग विभाग को बोल देती हूँ। तो माइनिंग क्यों आएगा मैडम, आप तो आओ ना, आप तो बंद खदानों में भी कार्रवाई करते हैं। इसमें अरे यार अपना मुझे ना फोन लगा के तमाशा करना बंद करो। मैं कहाँ तमाशा कर रहा हूँ मैडम, मैं तो आपको शिकायत, अगर अब आपने फोन लगा के तमाशा किया ना तो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, और फिर आप मुझे मत बताओ कि मुझे कहाँ कार्रवाई करनी और कहाँ नहीं। मैडम मेरे धमकी दे रहे हो मैडम आप, आपको जो करना ना वो कर लो ठीक है। अभी मैं अपने फिर से फिर कार्रवाई चालू करूंगी ना आपके, तो आपको बहुत दुख हो जाएगा। मेरा कोई दुख नहीं होगा मैडम, कार्रवाई करेंगे, आप मेरे धमकी दे रहे हैं मैडम। फोन रखो और बकवास करना बंद करो मैडम, आप आओ ना कार्रवाई करो ना, मैं चाहता हूँ आप कार्रवाई करें। अवैध खदान मैं कार्रवाई करूंगी कि नहीं करूंगी तुम्हारे बोलने से मेरे साइड से कोई कार्रवाई नहीं होगी ठीक है। नहीं मुझे फोन लगाया ना, मैं करूंगा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और आप इस टाइप बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हो ना मुझे मत बताओ। अरे हमको मालूम है ना, 500 वसूली करते हो आप, 500 वसूली करते हो प्रति गाड़ी से, अब अवैध चलवाते हो, हमको मालूम है, आप हमको मत सिखाओ। दो टके का काम आप करते हो, आपका मेकअप कहाँ से होता है, कहाँ से चलवाते हो हमको मालूम है, आप कहाँ से चलवाते हो हमको मालूम है, और अवैध आप ही चलवाते हो। लिखित में शिकायत आई है और उस पे जांच कर रही है। अवैध रेत खदान पे लगातार जिले में कार्रवाई चली रही है, और पिछले 1 साल में जितनी कार्रवाई है उससे ज्यादा कार्रवाई पिछले 3 महीने में कर ली गई है, और लगातार कार्रवाई बनी है। धमतरी जिला जो है सुर्खियों में हमेशा रहता है, और महानदी का एक बड़ा हिस्सा जो है मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। लगातार उत्खनन हो रही थी जिस पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, और कई खदानें चल रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं स्पॉट में खड़ा हूं, और स्पॉट में खड़ा हूं तो आप आइए कार्रवाई के, तो वो बोलती है कि खनी जाएगा। तो मेरा बोलना ये था कि आप जो है कलेक्टर नम्रता गांधी जी के जो मैं अथॉराइट में आप उड़न दस्त की टीम है, आप आइए और करिए। तो वो बोलता है कि आप जो है मेरे को फ़ोन मत लगाइए, आप जो हैं किस प्रकार के जनप्रतिनिधि है, भारत में नारियों का सम्मान है और माता की तर्ज पर पूजी जाती, लेकिन ये उस नारियों में से नहीं है जिनको इनको इसके परिवार में माँ बाप ने संस्कार सिखाया नहीं है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जो
55-60 हजार जनता को बीच से चुनी जाती है और उनके बीच का विषय जो है सदन में रखते हैं। और मैंने फोन से उससे बात किया कि ऐसा ऐसा बात है और उनके द्वारा लगातार बदतमीजी करना, अमर्यादित बात करना, इसकी मैं निंदा करता हूं और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी भी गाड़ी है।